एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ध्रुव ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी पुरानी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो प्लीज एक बार जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आज एक कहानी मैं लेकर आया हूँ जो है चिकी की, और ये कहानी है आज के एनवायरमेंट को लेकर। आज हम सब अपने घरों में बंद हैं और हर कोई चाहता है कि मेरा वजन ना बढ़े, मैं कुछ नया सीखूं। और कुछ नया सीखने की चाह हमारे में इतनी है कि हम छोटा जो काम है वो सीखना नहीं चाहते। तो ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं और चिक्की अपनी नानी के घर जाती है। चिक्की की नानी को सब कुछ आता है। चिक्की की नानी कढ़ाई में एक्सपर्ट, चिक्की की नानी बुनाई में एक्सपर्ट, चिक्की की नानी खाना बनाने में एक्सपर्ट, चिक्की की नानी रंगोली में एक्सपर्ट। इतना ही नहीं, हर कोई गांव में आकर चिक्की की नानी से एक बार एडवाइस जरूर लेता है कि कैसे करना चाहिए। चिक्की को लगा, वाह, नानी को तो सब कुछ आता है, तो मुझे भी नानी से सीखना चाहिए, मुझे भी नानी जैसा बनना चाहिए। चिक्की नानी के पास जाते हुए कहते, नानी मुझे भी अपने ये गुण सिखाओ। नानी कहती, कौन से गुण? कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रंगोली, ये सब चीजें। नानी कहती, बेटा मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर नानी सब लोग तो आपसे पूछने आते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा है, अपनी नानी से, अपनी दादी से सीखा है, और इनको सीखने का एक तरीका है। और हम आज के टाइम में फटाफट सारा काम करना चाहते हैं। चिक्की को बात समझ में नहीं आई। चिक्की ने कहा, नानी मुझे आराम से बताओ। तब नानी ने कहा, चिक्की कल से हम तुम्हारी क्लास शुरू करेंगे, जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना, जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। चिक्की ने कहा, ठीक है नानी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह उठी चिक्की बहुत ही एक्साइटेड कि चलो आज तो मुझे रंगोली बनाना सीखना है, मुझे कढ़ाई बुनाई सीखनी है, तो मैं वही करती हूँ। नानी के पास गई, नानी मुझे रंगोली सिखाओ। नानी ने क्या कहा? नानी ने कहा कि चिक्की काम करो, सुई है या धागा है, तुम धागे में को पकड़ के सुई में डाल दो। नानी मुझे रंगोली सीखना है, ये नहीं। चिक्की, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। एक बार वो नहीं डला, दूसरी बार वो नहीं डला, तीसरी बार वो नहीं डला, लेकिन चौथी बार में डल गया। चिक्की ने कहा, नानी ये तो हो गया, बताओ रंगोली कैसे बनानी है। फिर चिक्की की नानी ने कहा, जाओ किचन में, जाओ रसोई में जाओ, और जो आटा गूंधा हुआ है उसके पेड़े बनाओ, लेकिन अपनी उंगलियों से उसको अच्छा अच्छा नरम करना, जैसे रोटी बनाता है ना वैसे हल्के हल्के पेड़े बनाओ, कम से कम 15-20 पेड़े बनाओ। नानी मुझे क्या बनाना सिखा रही हो? पर नानी ने कहा, जैसा मैं कहूं वैसे करना, तो नानी क्यों करना पड़ा। चिक्की ने किया, एक दिन बीत गया। अगले दिन फिर नानी ने यही काम करने को कहा, साथ में एक काम और दिया कि चिक्की आज अपने हाथ से ड्राइंग बनाओ पेपर पे, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें अपना हाथ नहीं उठाना। चिक्की ने कहा, ठीक है। बॉक्स बनाने लगी, नहीं बना। स्टार बनाने लगी, नहीं बना। सर्कल बनाने लगी, टेढ़ा हो गया। नानी ने कहा, चिक्की आराम से बनाओ, हो जाएगा। चिक्की गुस्सा आया कि नानी मैं क्या सीखने चाहती हूँ और तुम क्या सिखा रही हो मुझे। फिर दोपहर हुई, चिक्की को कहा नानी ने, जाओ पेड़े बनाओ। चिक्की को गुस्सा आया कि ये कोई काम है मेरा, मैं नहीं करूंगी, बट अब सीखना था तो करना पड़ा भाई, ये भी करना पड़ा, कोई नहीं। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पांच दिन के बाद चिक्की ने सुई में धागा डालना फट से सीख लिया, पेड़े बनाने में फटाफट आ गए, ड्राइंग अच्छी हो गई। फिर चिक्की ने कहा, नानी अब क्या करें? नानी ने कहा, अभी फिर यही प्रैक्टिस करते हैं। अब चिक्की को बहुत गुस्सा आया कि नानी ये नहीं करूंगी मैं, जो मुझे सीखना है वो तो तुम सिखा नहीं रही हो। फिर नानी ने चिक्की को बुलाया और कहा, चिक्की
कोई भी बड़ा काम सीखने से पहले छोटे छोटे काम सीखने जरूरी होते हैं। जैसे अच्छा अब ये बताओ, जब तुम छोटी थी तो क्या तुम्हें पैराग्राफ लिखना आता था? चीकी का, नानी कैसी बात कर रही हो? हाँ, तो पहले तुम्हें लिखना सिखाया गया शब्द, छोटे छोटे अल्फाबेट्स लिखने सिखाए गए, ए बी सी। तुम्हें वो भी नहीं पता था, तुम्हारी मैडम ने कहा एक सोती हुई लाइन खींचो, एक खड़ी हुई लाइन खींचो, एक छोटा सा गोला बनाओ। फिर तुमने ए बी सी डी लिखना शुरू किया, फिर ए बी सी डी से तुमने वर्ड्स बनाने शुरू किए, ही शी मैन वुमेन। उन वर्ड से तुमने सेंटेंस बनाने शुरू किए, माय नेम इज चिकी, और उस सेंटेंसेस से तुमने फिर पैराग्राफ्स बनाए। पर नानी, इन सब का ये से क्या मतलब? मतलब है चिकी, तुमने जो सुई में धागा डालना सीखा, उससे तुमने ये सीखा कि सुई पकड़ते कैसे हैं और कितने ध्यान से सुई में धागा डालना पड़ता है। पेड़े बनाने से तुम्हारे जो सुई में धागा डालने से, पेड़े बनाने से, ड्राइंग करने से तुम्हारी उंगलियों की, तुम्हारे हाथों की जो मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, वो परफेक्ट होते हैं। और यही परफेक्शन मेरी माँ ने, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मुझे सिखाया। अब तुमने जो ड्राइंग पेपर पे बनाया था, अब वही ड्राइंग हम रंगोली के रंग से रंगोली बनाएंगे। चिकी ने कहा वाह, क्योंकि चिकी को अब बात नानी के समझ में आ गई। चिकी बाहर गई, रंग लिए, और चिकी ने हल्का हल्का रंगोली बनाना शुरू किया। जब पहली रंगोली बनाई तो चिकी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चिकी समझ गई थी कि इन्हीं छोटे छोटे कामों से ही बड़ा काम सीखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम सब घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा सकते, सैर नहीं कर सकते, लेकिन घर में बैठकर हम छोटी छोटी एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी किताबें पढ़ना शुरू करें, थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन शुरू करें, आधा घंटा 1 घंटा अपने फोन से दूर रहें, तभी हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो भी लोग, जो वर्कर्स हैं, आईटी के लोग हैं, जो 24 घंटे लैपटॉप पे रहते हैं, थोड़ी देर लैपटॉप बंद करके, आंखें बंद करके वहीं बैठना सीखें। तो ये सब छोटे छोटे कामों से हम बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करिए ताकि बड़ा टॉपिक आप पढ़ पाए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।